कहता हूं, जो लोग पाकिस्तान का राग अलापते हैं, मैं उनसे कहता हूं काहे भारत में बोझा बने हुए हो, पाकिस्तान में जाओ। अरे हिंदुस्तान तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, 4 वर्ष से मोदी जी दे रहे हैं, और पाकिस्तान में 23 करोड़ लोग भूख से मर रहे हैं। कुल 23 करोड़ की आबादी है। मोदी जी ने 10 वर्ष में जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे बड़ी आबादी को गरीबी रेखा से उभारने में मोदी जी ने योगदान दिया है। तो जो लोग पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं बहनों और भाइयों, इनको पाकिस्तान में भीख भी कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि जो स्वयं भूखा मर रहा है वे क्या दूसरों का पेट भरेगा। ये नया भारत है, आज विकास हो रहे हैं, 2 लेन 4 लेन 6 लेन 12 लेन के हाईवे, एक्सप्रेसवे, ट्रेन के नए नए मॉडल, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत के रूप में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो, रोपवे की सुविधा, कनेक्टिविटी के 72 इंतजाम, मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण, और देश के अंदर लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हर घर नल की योजना, नल में जल हो इसकी सुविधा भी पूरे देश के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। गरीब को राशन है तो फ्री में उपचार की व्यवस्था भी है, 60 करोड़ लोग फ्री में उपचार की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों के लिए किसान सम्मान निधि है, तो गरीब के घर में शौचालय भी है। मोदी जी ने अयोध्या में रामलला को ही विराजमान नहीं किया है, 4 करोड़ गरीबों के भी मकान बनाए हैं, और मोदी जी की घोषणा है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, तो मोदी सरकार बनते ही 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए फ्री में उपचार के लिए उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जाति, मत, मजहब से कोई मतलब नहीं, वह 70 वर्ष का है उसको सुविधा मिलेगी। जितने बचे हुए गरीब हैं उनके मकान मिलेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास के जो मानक है वह उस रूप में शहरी क्षेत्र में जिसके पास जमीन है, जर्जर मकान है, कच्चा मकान है, वही उसकी पात्रता की शर्त है, उसको भी एक एक मकान मिल जाएगा। बहनों और भाइयों, आपने देखा विरासत भी है, विकास भी है, सुरक्षा है, सम्मान भी है, और शासन की संवेदना है तो गरीब कल्याण भी है। मोदी जी के नेतृत्व में बदलता हुआ भारत हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में आपको मतदान करना है। मतदान 6 चरणों के पूरे हो चुके हैं। इन 6 चरणों में देश के अलग अलग राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। अलग अलग राज्यों में गया, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों ओर एक ही नारा, एक ही संकल्प, लोगों के मन में एक ही स्वर गूंज रहा है। चारों ओर लोग एक ही बात कहते हैं, वह नारा है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार 400 पार। 400 पार का नारा सुनते ही कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को चक्कर आने लगता है, क्योंकि दोनों भी मिलकर के 400 सीटों पे नहीं लड़ रहे। वे कहते हैं कैसे होगा, तो जनता ही जनार्दन की भूमिका में जवाब देती है, कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्यों, पटना भी साथ है ना, पटना भी साथ है ना, और आपको तो और ज्यादा साथ होना है, इसलिए होना है भगवान राम लला के वकील कोई और नहीं, आपका सांसद है रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद जी वकील हैं, उन्होंने 500 वर्षों का इंतजार समाप्त किया, मोदी जी का नेतृत्व है,
रविशंकर प्रसाद जी वकील हैं और रामलला की लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके फैसला हिंदुओं के पक्ष में करवा करके भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कराया है। बहनों और भाइयों, पीढ़ियां जिसके लिए खप गईं, कितना सौभाग्यशाली हमारी पीढ़ी है, हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि हमने अपनी आंखों के सामने अयोध्या में रामलला के मंदिर को बनते हुए देखा है। और मुझे मालूम है जितनी खुशी अयोध्या वासियों को है, उत्तर प्रदेश वासियों को है, उससे ज्यादा खुशी बिहार वासियों को है। इसलिए है क्योंकि मां जानकी का मायका है यहां पे, तो और भी अच्छा है। और बिहार ने तो अपने उपहार जब सबसे पहले अयोध्या भेजे, पूरी अयोध्या, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश अभिभूत था। मां जानकी के मायके से उपहार आया है रामलला मंदिर के लिए। बहनों और भाइयों, ये पुणे का भागीदार मोदी जी के नेतृत्व में आपके सांसद ने पूरे भारत के सनातन धर्मावलंबियों को बनाया है कि हम उस पीढ़ी में हैं जो पीढ़ी कह सकती है हमने राम मंदिर के निर्माण को अपनी आंखों से देखा है, रामलला को अपनी आंखों से विराजमान होते हुए देखा है। और सच है मोदी जी का नेतृत्व है, लेकिन श्रेय आपको जाता है क्योंकि कमल चुनाव चिन्ह पर जिसने भी वोट दिया है वह श्रेय लेने का अधिकारी है कि राम मंदिर मैंने बनाया है। आप बोलिए कि राम मंदिर हमने भी बनाया है क्योंकि हमने कमल का फोड़, कमल के मोहर पर अपना ईवीएम का बटन दबा करके रविशंकर प्रसाद जी को चुनाव जिता के भेजा, वो रामलला के वकील बने। राम मंदिर के कारण, कमल के चुनाव चिन्ह के कारण मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बनना ही बनना है, और अयोध्या में शिलान्यास में भी और उद्घाटन में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का आगमन होता है। आज आप अयोध्या जाएंगे ना, आपको लगेगा कि साक्षात प्रभु राम लला के समय की अयोध्या जीवित हो गई है। कितने लोग अयोध्या गए इधर? मैं संजीव चौरसिया जी से कहूंगा, वे उत्तर प्रदेश के वहां के सह प्रभारी भी हैं, मैं कहूंगा चुनाव के बाद एक बार पटना वासियों को पूरी ट्रेन भर करके अयोध्या लेके आइए रामलला का दर्शन कराने के लिए, लेके आ जाना बस, बाकी तो प्रबंध हम अपने आप ही करेंगे वहां पे। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं, नई अयोध्या, क्योंकि नया भारत है तो नए भारत की नई अयोध्या तो बननी है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम भी आप देख रहे होंगे, और अब तो मैं तो लालू जी से कहूंगा, लालू जी आप तो नहीं करेंगे क्योंकि आपको तो वोट बैंक की राजनीति करनी है, लेकिन मैं कह सकता हूं अयोध्या और काशी के बाद हम मथुरा की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे कृष्ण कन्हैया भी अब इंतजार नहीं करने वाले हैं, कृष्ण कन्हैया भी अब कह रहे हैं हो जाए अब बस बार, तो नया भारत, एक ऐसा भारत जो भारत गुलामी के एक एक चिन्ह को समाप्त करके आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनेगा। बहनों भाइयों, आप कितने सौभाग्यशाली हैं, आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का कार्य जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया धारा 370 को हटाकर, तो उसमें भी आपका ही सांसद मंत्री के रूप में हस्ताक्षर करता है कानून मंत्री के रूप में, और कोर्ट में भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे रहता है, ये भी आपके लिए गौरव की बात होनी चाहिए। और यही नहीं, नारी गरिमा, आधी आबादी को सम्मान मिले, मोदी जी ने तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, देश की नई संसद में पहला अधिनियम कोई पारित हुआ तो यह अधिनियम पारित हुआ, लेकिन इससे पहले 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए समाप्त किया,
और इस मामले को भी आगे बढ़ाने का कार्य किसी ने किया है? आपके सांसद रविशंकर प्रसाद जी ने किया है। तो एक साथ कई सिरे, अरे विकास की तो सौगात मिली मिली है। इतिहास जब लिखा जाएगा इस नए भारत का, तो पाटलिपुत्र गौरव के साथ कहेगा, हमारा वोट भी तो तीन तलाक की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए गया था। पाटलिपुत्र भी तो कहेगा कि हमारा सांसद उसको लीड कर रहा था जब कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो रही थी, अयोध्या में रामलला जब विराजमान हो रहे थे, उस मुकदमे कोई पैरवी करने को लेकर के हमारा सांसद अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर के रामलला के वकील के रूप में सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ था। बहनर भाइयों, ये गौरव सबको नहीं प्राप्त होता है, ईश्वर किसी किसी को यह गौरव देता है। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं। ये नया भारत मोदी जी के नेतृत्व में, और मोदी जी ने तो घोषणा की है, हम तीसरी बार आपसे समर्थन इसलिए मांगना चाहते हैं क्योंकि अगले तीन वर्ष में भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आपसे मोदी जी समर्थन मांग रहे हैं। 2047 में भारत दुनिया की एक महाशक्ति हो, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए आपसे समर्थन मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन, चुनावी गठबंधन किया है, इनके लिए सत्ता किसके लिए चाहिए? क्या ये देश के लिए आत्मनिर्भर भारत के लिए लड़ेंगे क्या? नहीं, ये अपने परिवार के लिए काम करेंगे, अपने परिवार का पेट भरेंगे। ये चुनाव मोदी जी के लिए, रविशंकर प्रसाद जी के लिए चुनाव, देश के लिए चुनाव है, देश के निर्माण के लिए है, आपकी पीढ़ी को बनाने के लिए है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने का चुनाव है। और कांग्रेस और आरजेडी के लिए चुनाव अपने परिवार के लिए है। याद करिए, देश में जब भी संकट आता है, भाई बहन की जोड़ी तो देश छोड़ करके चली जाती है ना। कोरोना कालखंड में क्या इन भाई बहन की जोड़ी को आपने देखा था क्या? देखा था क्या आपने आरजेडी के नेताओं को सड़क पे देखा था क्या? सेवाई संगठन है यह काम, केवल भाजपा के लोग कर रहे थे, आरएसएस के लोग कर रहे थे, बाकी किसी का आता पता नहीं था। जनता जनार्दन की सेवा कर रहे थे, अपनी जान को दांव पे लगा के काम कर रहे थे। और उत्तर प्रदेश में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इसी इंडिया गठबंधन का वह पार्ट है, जब वहां के पानी के कनेक्शन और उनके राशन कार्ड बंद किए, उनको वहां से जबरन निकालने का काम किया, तो मैंने तो 14,000 बसेस लगाई। लोगों ने कहा अरे बिहार के, अरे हमने कहा बिहार क्या बात करते हो भाई, हमारे देश का नागरिक है और मां सीता के, मां जानकी के माई के लोग हैं, मेरे मेहमान हैं, मैं तो उनकी सेवा करूंगा, सेवा करूंगा। उत्तर प्रदेश में जब तक जितने दिन रहना चाहेंगे,